पॉपुलर मेरिटी साहब मतलब बहुत गुणी, बहुत विद्वान, बहुत पढ़े लिखे हैं, और हमारा सौभाग्य आज नामचीन बेहतरीन कलाकार आज हमारे शो पे मौजूद हैं। मैंने देखा जब आप लाइव परफॉर्मेंस करने जाते हैं वहां पे भी कितने सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि आप सोच के गए हो कि अच्छा युवा वर्ग ज्यादा होगा वहां पे, बाद में आपने देखा यार यहाँ तो 60 के ऊपर वाले हैं। कुल मिला के बात ये कि माल वही सुनाना है, माल वही हाँ, लेकिन उसको ऊपर नीचे कर देते, राइट। मैं अब जैसे युवाओं के लिए लेके आए, हाँ, मैं एक ऐसा गीत सुनाना चाहता हूँ जो देश की युवा धड़कनों के लिए, लेकिन आप भी मन से सब युवा है, तुरंत जवान बना, अच्छी बात है, ये कला तो होनी चाहिए। आज ऐसे आप बुजुर्गों के लिए लेके आए, लेकिन यहाँ इतने युवा शक्तियां बैठी है जो गीत में लेके आया हूँ उनके लिए लेके आया हूँ जिनके पास जीवन का अनुभव है, लेकिन मित्रों जिन मुश्किलों में आज आप जी रहे हैं आपसे बड़ा अनुभव किसी के पास नहीं है। बहुत अच्छा, सामान वही सुनाना है, लेकिन किस तरीके से सुनाना है ये आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वाह, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अच्छा, कभी किसी मुशायरे में बहुत मोहब्बत से बुलाया गया हो आपको और वो भी बहुत हिट गया हो, लेकिन ऑर्गेनाइजर बाद में आपको नजर ना आया हो? हाँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं पहले ही पैसे मंगवा लेता हूँ। अच्छा, तो आपके साथ होता है संजय जी? इसके साथ तो उल्टा हुआ था, इसने एक बार पैसे मंगवा लिए पहले, फिर प्रोग्राम हुआ, जब कविता पढ़ी उसने वापस मांग लिए, वापस दे। मैंने आपकी पर्सनैलिटी क्या, कवियों के शशि थरूर लगते हैं। अनुभव प्राप्त व्यक्ति हैं पॉपुलर मेरिटी साहब, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। बीवी एकदम गुस्से में आग बबला है, शांत करना हो तो क्या कहें? मैं तो कविता सुना देता हूँ कि वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, बुलवाया औरतों ने सलामी के वास्ते, हम रुखसती के वक्त यही कह के चल पड़े, लाई हयात आए कजले चली चले। बहुत बढ़िया, लाई हयात आए कजले चली चले, ये ना समझो फजूल है यारो, इश्क में सब कबूल है यारो, वाह, मेरा महबूब है अजीज मुझे, चाहे गोभी का फूल है यार। बस ऐसे ही ये चलते रहते हैं संवाद एक दूसरे से, और झगड़े होते रहते हैं, शायरी आती रहती है जाती रहती है। कभी अलग ढंग से बदला निकाल लेता है। कैसे? मोहल्ले में शोर शराबा हुआ तो बीवी ने पूछा क्या हुआ, तो कभी देखा बाहर जाके, देखा क्या हुआ, तो मोहल्ले वाले उनका कुछ नहीं, मोहल्ले की पानी की टंकी है उसमें किसी ने जहर वहर डाल दिया। अच्छा, तो घर में ध्यान रखना थोड़ा सा। तो आया, बीवी ने पूछा क्या हुआ था, बोले नहीं कोई कुछ खास बात नहीं, ऐसे ही शोर शराबा था, तू पानी पियो सो जा। तो अपना बदला आदमी पूरा कर ही लेता, पूरा कर ही लेता साहब। चैलेंज भाई, इस पे तो एक और मजेदार बात है, हाँ। इस कोरोना ने ये सिखा दिया कि हम लोग घर पे रहे और घर पे पत्नियों से ही प्रेम करना पड़ा। हास्यव्यंग्य कवि जो है या तो नेताओं पर कहता है या फिर बीवी पर, उसकी हर एक बात मेरे बूते से बाहर निकली, उसकी हर एक बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली, रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। अरे पॉपुलर भाई, वो तो इस शो में है, जिन जिन को बीवी समझोगे सब शौहर ही निकली। और ये देखिए कबीर भाई, कि 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अच्छा। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, हाँ। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। लेकिन आप देखो इसी चीज पे मुझे 4 लाइन, हम लोग ये एहसास ही नहीं कर पाते कि हमारे साथ है कौन, ये एहसास नहीं होता। तब कहता हूँ कि लोकल ट्रेन की भीड़ में गिरा तो उसने हाथ पकड़ के उठाया, लोकल ट्रेन की भीड़ में गिरा तो उसने हाथ पकड़ के उठाया, राशन की लाइन में खड़ा होके भन्नाया तो उसने कंधा थपथपाया, राशन की लाइन में खड़ा होके भन्नाया तो उसने कंधा थपथपाया, नौकरी के लिए भटकते हुए कदमों का साथ दिया, हर जगह उसने मुझे दिलासा दिया, वो हर वक्त साथ मेरे, दबी सहमी सी मौन है, मैं जिंदगी से ही पूछ रहा हूँ तू मेरी कौन। बहुत अच्छे, क्या बात है, संजय भाई पहले हमने सुना आप भजन भी लिखा करते थे, तो फिर ऐसा क्या अलौकिक ज्ञान आपको प्राप्त हुआ कि फिर आप हास्य रस की तरफ मुड़ गए? मैं क्योंकि जब ये भजन लिखता था और सुनाता था लोग हंसते ही थे। मैं हाथ से भजन लिखा करता था, मैंने प्रयोग भी किया। हाँ, अच्छा, तो जैसे कवि प्रदीप जी जो जी। प्रयोग करते थे, मेरे एक सिचुएशन रचना है कवि प्रदीप वाले जो भजन, उसको मैं एक सुनाता हूँ। गोरे गोरे गाल वाली,
गोरे गाल वाली जो सिचुएशन रचना है, संस्कृत साहित्य में नायिका कहती है किम करवाणीम कपिल कपोलो में, कपिल कपोलो में, अर्थात मेरे गोरे गाल हैं, इसका मैं क्या करूं। भजन वाली जो बात आपने की वो किस प्रकार से सुनाते हैं अगर उनके सामने समस्या आती तो। के कर दे तू इन गोरे गालों का दान। हो जाएगा भक्तों का कल्याण। अच्छा अच्छा। किए जा तू जग में भलाई का काम, लगे नहीं तेरा एक छदाम। अरे गाल ही है क्या, ये गाल ही है क्या, कुछ और भी बता, तेरी सब पीर हरेंगे राम। शुरुआत में मुझे लग रहा था कि मुझे पढ़ने, लेकिन मैं आपको देखकर पता नहीं कौन सी दुनिया में चली गई थी। मतलब जाहिर है इतना बड़ा मंच है तो थोड़ा सा नर्वस थी, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी। इसमें चार मिसरे लिखकर लाई थी, इसलिए मैं पढ़ती हूँ आप सब लोगों के लिए। है ये कि जी प्लीज, आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने, अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया। एक बड़ी पुरानी ये कहावत है कि भगवान ने ये जितने प्रेम करने वाले को है कि जाओ दुनिया के हर कोने में तुम्हें एक प्रेमिका मिलेगी, और उसके बाद दुनिया गोल बना दी। अब आप ढूंढते रहो, मिलनी तो है नहीं। ये इन्होंने कही है। अब हम हास्यरस के कवि, हम क्या कहेंगे प्रेम के लिए जी। अर्चना जी, जी जी, प्रेम क्या होता है? एक प्रकार का प्रेम होता है। अरे रे, क्या होता है? एक प्रकार का प्रेम होता है। जो होता है तो होता है, नहीं तो नहीं भी होता है। अरे शैतानी देखी संजय की, मतलब बड़ा शैतान है। मतलब ये जी बात जी। ऐसी करता है, मेरे पास आया भाई साहब, मेरी पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया। हाँ अच्छा। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले बदला। ओह शैतान आ गया। नहीं भैया, इन लोगाइयां अभी देख रही होंगी यार। और घर भी जाना है इन्हें। झाला साहब, मेरे को तो आप झोलू साहब लग रहे हैं। मेरा शोध मैं आपको बता रहा हूँ, मुमताज तुम शायद पहली बार सुनोगे। प्रेम में क्या होता है? अगर लड़की प्रेम करने में असफल हो गई तो वो बीएड कर लेती है। और लड़के अगर प्रेम करने में असफल हो गए तो वीर रस के कवि हो जाते हैं। वीर रस के कवि। और लड़के अगर प्रेम करने में सफल हो जाते हैं तो प्रेमिका के घर बारात लेकर जाते हैं, और असफल हो जाते हैं तो मायरा और भात लेकर जाते हैं। वाह, ये कट जाएगा तेरा पूरा। क्यों हंसा नहीं कोई? मैं हंसने जाता हूँ। नहीं मैं ये मैं ये नहीं, वो मायरा और भात का शायद आप लोग कनेक्ट नहीं हो पाए। कोई अच्छा, गलती इनकी है। कोई ना हंस रहा तो गलती इनकी है। ये देखो, ये कॉन्फिडेंस बड़ा गजब का है।